हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका फर्स्ट T20 आई और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस एंड कैप्टेंसी चॉइसेस। इस वीडियो के प्रायोजक हैं विजन 11, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आई एम अक्षय पटेल, आई हैव अ विजन टू प्ले माय गेम। अब बारी आपकी है, डाउनलोड विजन 11, क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। बात करें इस गेम की दोस्तों, तो ये गेम होगा ईडन पार्क ऑकलैंड में और दोनों ही टीम्स कोशिश करेंगी कि T20 वाले फॉर्मेट में फिर से लय में नजर आ जाएं। न्यूजीलैंड हाल ही में हुए ओडीआई सीरीज को 2-0 से जीता था और अब कोशिश करेगी कि T20 सीरीज में भी वो स्वीप कर जाए। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो श्रीलंका की तरफ से पातुम निसंका, कुशल मेंडिस शुड ओपन द इनिंग्स, कुशल परेरा एट 3, डिसिल्वा एट 4, असलंका एट 5, शनाका एट 6, असरंगा 7 पर, सी करुणरत्न एट 8, तीक्ष्णा एट 9, रजिता एट 10 एंड लहिरू कुमारा रहेंगे 11 पर। न्यूजीलैंड की बात करें तो टॉम लेदम एंड चैट बॉस शुड ओपन द इनिंग्स, मार्क चैपमैन 3 पर, विल यंग 4 पर, डैरिल मिचर रहेंगे 5 पर, कैफर्ट और नीशम में से एक बंदा वहां पर खेल सकता है नंबर 6 पर इनके लिए, रचिंद्र एट 7, चिपली एट 8, सोदी एट 9, हेनरी एट 10 और मिलने और बेन लिस्टर में से एक प्लेयर इनकी 11 को पूरा करेंगे। चलते हैं दोस्तों दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 10 मैचेस खेले हैं आपस में अब तक। न्यूजीलैंड जीती है 6 बार, श्रीलंका जीती है 3 बार और एक गेम रही थी नो रिजल्ट। ईडन पार्क ऑकलैंड पे ये गेम है, वेन्यू का रिकॉर्ड अगर देखें तो यहाँ पर 8 बार टीम चेस करते हुए जीती है, केवल 2 बार टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर 159 का है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे रन अच्छे खासे बन सकते हैं। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो वैसे मामला काफी क्लोज है, पेसर्स को थोड़ी सी एज यहाँ पर जरूर मिलती है पर इतना आउटराइट एडवांटेज कोई नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं स्पिन प्लेयर्स का वेन्यू रिकॉर्ड T20s का। तो टिम साइफर्ट 10 इनिंग्स में 176 रन है, जिमी नीशम 4 इनिंग्स में 83 रन, चैपमैन के 6 इनिंग में 63 है, हेनरी के 2 इनिंग में 39 है, शिपली के 1 इनिंग में 37, मिचेल 3 इनिंग्स 36, ईस्ट चौधरी 2 इनिंग में 28, चैट बॉस 1 इनिंग में 26 और टॉम लेदम भी यहाँ पर 2 इनिंग में 26 रन बना चुके हैं। ये T20s के रिकॉर्ड है जिसमें डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों शामिल है इस पर्टिकुलर वेन्यू पे। न्यूजीलैंड के बोलर्स का रिकॉर्ड देखते हैं T20s का, तो ईस्ट चौधरी 9 इनिंग्स में 10 विकेट ले चुके हैं, मिलने के 7 इनिंग में 9 विकेट हैं, नीशम 4 इनिंग 7 विकेट, लिस्टर 3 इनिंग 3 विकेट, मैट हेनरी 2 इनिंग्स 3 विकेट, शिपली 1 इनिंग 2 विकेट एंड डैरिल मिचेल भी यहां पर 1 इनिंग में 1 विकेट ले चुके हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब टॉप पिक्स ऑन न्यूजीलैंड की, तो नंबर 1 पर आते हैं हेनली शिपली जो कि ओडीआई सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। इसी वेन्यू पे ओडीआई हुआ था जहां पर उन्होंने 5 पर लिया था और सुपर स्मैश रिकॉर्ड भी काफी बढ़िया था इस सीजन का, 5 इनिंग में 8 विकेट। सेकंड टॉपिक बन जाते हैं डैरिल मिचेल जिनकी ओडीआई सीरीज काफी बढ़िया गई थी, ऑलराउंडर वैल्यू देते हैं ये, कॉमन कैप्टनशिप पिक भी रहेंगे और ओडीआई सीरीज में 5 विकेट चटकाए थे और कुल मिलाकर 53 रन जिन्होंने बनाए थे। मैट हेनरी इज द थर्ड टॉप पिक, 3-4 लिया था पिछले ओडीआई में और श्रीलंका का जो स्ट्रगलिंग बैटिंग ऑर्डर है उसके सामने काफी बढ़िया पिक हो सकती है। फोर्थ टॉप पिक बन जाते हैं विल यंग जिन्होंने लास्ट गेम में मैच विनिंग 86 की नाबाद पारी खेली थी, फॉर्म में है और सुपर स्मैश में भी 5 इनिंग में 145 रन जिन्होंने बनाए थे। चलते हैं दोस्तों टॉप पिक्स ऑन श्रीलंका, नंबर 1 पर आते हैं दसुंग छना का जो कि ऑलराउंड वैल्यू देकर जाते हैं और हाल ही में जो इंडिया वाली T20 सीरीज हुई थी वहां पर भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया था। नंबर 2 पर आते हैं पातुम निसंका जो कि ओडीआई सीरीज में एकमात्र बैट्समैन थे लंका से जिन्होंने 50 स्कोर करे थे, बाकी लंका के बैटर्स इतने रिलायबल नहीं है इसलिए हम निसंका की तरफ जाएंगे। थर्ड टॉपिक बन जाते हैं चमिका करुणरत्न जो कि ऑलराउंड वैल्यू देते हैं, अपने पूरे कोटा फोवर्स डालेंगे ये और अपनी पेस बॉलिंग के साथ बैटिंग के थ्रू भी आपको रन बनाकर दे सकते हैं। फोर्थ टॉपिक बन जाते हैं वनिंदु हसरंगा जिनका ओडीआई सीरीज बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा था, विकेटलेस रह गए थे और 2 रन ही बनाए थे इन्होंने बैटिंग करते हुए। T20 आईज में कोशिश करेंगे कि कमबैक कर पाएं, अपने पूरे ओवर्स इन्होंने डालने चाहिए प्लस बैटिंग के थ्रू ये भी रन बनाकर आपको दे सकते हैं। चलते हैं अब दोस्तों डिफरेंशियल पिक की तरफ और यहाँ पर नंबर 1 पर आते हैं चैट बॉस जिन्होंने सुपर स्मैश में 11 इनिंग में 359 रन बनाए थे। ओडीआई सीरीज इनकी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रही थी पर इनका T20i का डेब्यू होगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस डेब्यू गेम में ये अच्छा खासा रन बना सकते हैं। महेश तीक्ष्णा इज द सेकंड डिफरेंशियल पिक, ऑफ स्पिनर हैं ये, सामने 3 लेफ्टी आए तो इनके मैचअप्स बढ़िया फेवर में जाएंगे। स्पेशली दोस्तों अगर आप देखो इनका एशिया T20 का रिकॉर्ड तो 7 विकेट मिले थे इनको 7 मैचेस में, T20i में ये बेटर है वर्सेस ODI एंड हेंस इनको ODI में कोई भी चांस तभी नहीं मिला था। तो महेश तीक्ष्णा इज अ डिफरेंशियल पिक और हमारे हिसाब से आपकी टीम में भी जरूर नजर आने चाहिए। चलते हैं दोस्तों सेफ कैप्टनशिप की तरफ और यहाँ पर हम 3 प्लेयर्स को नॉमिनेट करेंगे, शिपली, मिचेल एंड हसरंगा। ये तीनों प्लेयर्स आपको दोस्तों मल्टीपल वैल्यू देकर जा सकते हैं, हसरंगा और मिचेल आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जबकि हेनरी शिपली बॉलिंग करते हुए श्रीलंका के स्ट्रगलिंग टॉप ऑर्डर बैटर को जरूर इंपैक्ट कर सकते हैं, वहां पे विकेट्स पिक कर सकते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक की बात करें तो हम मैट हेनरी और चैट बॉस दोनों को बैक करेंगे यहां पे, हेनरी बिकॉज जैसे हमने कहा था फॉर शिपली कि श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर स्ट्रगल करता है और वहां पर हेनरी की इंपैक्ट देख सकते हैं, पिछले ओडीआई में भी 3 विकेट इन्होंने चटकाए थे। चैट बॉस बिकॉज एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैटर है, सुपर स्मैश का रिकॉर्ड काफी बढ़िया था एंड हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पर खड़े उतर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शन, सेफ कैप्टनशिप पिक। अब चलते हैं हमारी बेस टीम कर, तो यहां पर दोस्तों ये बेस टीम बनेगी कहां पर, विजन 11 पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा।
फाइनल टीम आपको कहां मिलेगी? फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आपको मिलेगी हमारी फाइनल टीम व्यू स्पोर्ट ऐप पर। डाउनलोड कर लेना अगर आपने नहीं किया, बिकॉज वहां पर सारे गेम्स कवर हो रहे हैं, सारे गेम्स के आपको फैंटेसी प्रीव्यू मिल रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो फुटबॉल हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों अब बेस टीम पर। तो बेस टीम में विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने फिलहाल किसी को भी पिक नहीं किया है। अगर आप देखोगे दोस्तों तो हम बैटिंग सेक्शन की तरफ चलते हैं, वहां पर पातुम निसंका, डैरिल मिचेल और विल यंग, इन तीनों बैटर्स को हम लेकर जा रहे हैं। ऑलराउंडर्स में बेस टीम में है करुणा रत्ने, शनाका और हसरंगा। बोलिंग सेक्शन की बात करें तो तीक्ष्णा, हेनरी और शिपली। तो दोस्तों ये हो गए हमारी 9 मेंबर की बेस टीम। अब हमारा जो 10th प्लेयर होगा वो विकेट कीपर होगा। आप चाहे तो कुशल मेंडिस को पिक कर सकते हो, आप चाहे तो वहाँ पे टीम साइफर को ले सकते हो, या आप टॉम लेथम को भी पिक कर सकते हो, वो प्योर चॉइस आपकी है। अगर दोस्तों आप न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करती है तो वहाँ पर आप चैट बॉक्स को पिक कर सकते हो एज योर 11th प्लेयर। अगर न्यूजीलैंड बोलिंग फर्स्ट करी है तो वहाँ पर आप ईश सोदी को पिक कर सकते हो एज योर 11th प्लेयर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ और थोड़ा सा चेंज करना हुआ तो कुमारा और अजीता में से भी आप एक और बॉलर को पिक कर सकते हो अपनी फैंटेसी टीम में एज योर 11th प्लेयर, डिपेंडिंग ऑन आपको श्रीलंका के कितने बॉलर्स लेने हैं। दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टीम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।